हाँ जी बेटा, व्हाट इज रिटन हियर इन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप्स ऑफ स्क्रू ए एंड बी। मेरे पास जो है दो टाइप्स ऑफ स्क्रू है, ठीक है, ए एंड बी। तो मैं लिखने लगी हूँ मेरे पास जो है कि टाइप ए एंड टाइप बी। ओके, लेट मी, ओके, ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू मशीन्स। दोनों को दो दो मशीन चाहिए, एक ऑटोमेटिक एक हैंड ऑपरेटेड मेरे पास जो है। ओके, तो मैं मान लेती हूँ, चलो वो बाद में लिखते हैं। अब देखिए मेरे पास जो है, अब मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ क्योंकि टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक, ओके, और यहाँ पर हैंड मशीन, हैंड ऑपरेटेड। ओके बेटा, नाउ व्हाट दे आर राइटिंग हियर इन दिस क्वेश्चन, ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द टू यूजेस, टू द यूज ऑफ टू मशीन्स, एन ऑटोमेटिक एंड एन हैंड ऑपरेटेड। इफ इट टेक्स 4 मिनट्स जो है ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट्स जो है ऑन द हैंड ऑपरेटेड जो है मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रू वो ए। अब वो ए की बात कर रहा है कि इसको जो है ऑटोमेटिक में 4 मिनट्स लगते हैं और इसको ए को 6 मिनट्स लगते हैं। व्हाइल इट टेक्स 6 मिनट्स जो है ऑन ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज स्क्रू ऑफ बी। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट जो है 4 आवर्स मेरे पास जो है। यहाँ पर क्लियर कट बोला है कि हर मशीन जो है वो मैक्सिमम जो है मेरे पास 4 घंटे के लिए, 4 आवर्स के लिए मिलती है, 4 आवर्स, ठीक है, और 4 आवर्स एट द मोस्ट, मतलब इतने से ज्यादा घंटे के लिए नहीं मिल सकती है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है मेरे पास, व्हाट दे हैव रिटन, द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट ए प्रॉफिट ऑफ, मेरे पास जो है 7, एंड स्क्रू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹10। यानी अब मेरे को प्रॉफिट की बात हो रही है, तो मैं क्या करूं यहाँ पर प्रॉफिट, और ये मुझे दे दिया जा रहा है 7 पे और ये मुझे दे दिया जा रहा है ₹10 पे। Assuming that he can sell all the screw he manufactures, how many package of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? मुझे profit को maximize करना है, मैं क्या मान के चलूँ, number of units, मैं मान के चलती हूँ कि A वाले X है, B वाले Y, okay? मैंने manufacture, मैंने क्या करना है, maximize, मैक्सिमाइज किसको करना है, प्रॉफिट को, है ना। अगर एक का 7 रुपीज है तो एक्स बनाए हैं, तो मेरा मैक्सिमाइज जेड कितना हो गया, 7x+10y सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेंट। अब कॉन्स्ट्रेंट कौन कौन बताएगा जल्दी, क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट हो सकती हैं मेरी, जल्दी बेटा। ओके काव्या, यस यस काव्या, यस मैम। मैम उन्होंने हमारे पास जो अवेलेबिलिटी 4 आवर्स की दी है, हम उसको भी मिनट्स में कर लेते हैं 60 के साथ मल्टीप्लाई करके, फिर हमारी कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगी 4x+6y <clears throat> less than equal to 240, और दूसरी है 6x+3y less than equal to 240। बिल्कुल करेक्ट जो है, 6x+3y less than equal to 240, क्योंकि ये मिनट्स में दिया, ये मिनट्स में दिया, टेबल बनाने का ये फायदा हो जाता है, तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो ये 240 मिनट्स हो जाएगा, ये भी 240 मिनट्स हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, और x > 0 y > 0 ये कॉन्स्टेंट्स आनी ही आनी है, ठीक है जी। अब इसका ड्रॉ कीजिए सारे बच्चे, अगर ग्राफ पेपर नहीं भी है कॉपी पे ड्रॉ कीजिए, रफ आइडिया तो आपको होगा। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू ड्रॉ इट, जल्दी बेटा फटाफट।
सारे बच्चे करेंगे, मैंने सबसे पूछना है, बी रेडी विद दैट. 24 स्टूडेंट्स आते, 23, तो ऑल ऑफ यू हैव टू शो मी ऑन द स्क्रीन. जल्दी जल्दी जल्दी. हाँ जी बिल्कुल, काव्या का बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे. अर्शदीप का देखते हैं. यस अर्शदीप का बिल्कुल क्लियरली विजिबल है मुझे, बिल्कुल 30-20 बिल्कुल करेक्ट है ग्राफ. बाकी बच्चे जल्दी जल्दी बेटा शो मी. यस यस काव्या बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है. मान लीजिए जब आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, आपके पास ग्राफ पेपर नहीं था और आपने ऐसे बनाया और आई हैव टू चेक दिस पॉइंट कि ये कैसा पॉइंट है ना, उसके लिए क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो. मतलब आपके पास है 4x + 6y = 240 और दूसरा है 6x + 3y = 240. इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए. कैसे, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6y हो जाएगा. जब 2 से किया 12, ये 6 और ये 2 से किया तो मेरे पास हो जाएगा 4, 8. ओके, इसको माइनस कर, ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया -8x = -, और मेरे पास कितना आया ये 240, ये कटिंग हुई और ये कितना आ गया 30, तो x की वैल्यू 30 आई. तो आप पुट करोगे किसी एक इक्वेशन में तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी. मतलब बाय चांस इफ ग्राफ पेपर इज नॉट अवेलेबल एंड यू ऑन टू कैलकुलेट दिस पॉइंट, सॉल्व इट, जैसे मर्जी सॉल्व कर लीजिए. ओके, और मुझे ये पॉइंट दिखा दीजिए कि ये 30, 20. हाँ जी चलिए रिद्धि दिखाइए बेटा, और मुझे टेबल भी चेक कराइए कि, चलिए रिद्धि उल्टा दिखा दिया मुझे बेटा ग्राफ. कॉपी को रोटेट करो. हाँ जी नीचे करो थोड़ा सा. देख लिया मैंने. ओके बेटा करेक्ट. चलिए अर्शदीप का देखते हैं टेबल. 400 पे जेड विल बी मैक्सिमम एट 040 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 400 जो है, नहीं 410 भी आ रही है मेरी. देखिए आपने कैलकुलेशंस गलत किए अर्शदीप, योर कैलकुलेशंस आर रॉन्ग. देखिए जरा 20 पुट करेंगे तो 200 आएगा. प्लीज करेक्ट इट अर्शदीप. फोर्थ पॉइंट, व्हेन यू पुट 20 है ना, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 400, तो 410 आएगा. चलिए समृद्धि का देखते हैं टेबल, शो कीजिए सारे बच्चे मुझे. ओ ओ ओ वेट, ओके ओके समृद्धि करेक्ट है बेटा. टेबल बनाइए जल्दी. काव्या का बिल्कुल, यस बिल्कुल करेक्ट है काव्या. ठीक है मेरे पास जो है 1, 2, 3, 4, 0, 0 शो नहीं किया. दिव्यांशी, लेट अस सी दिव्यांशी, 0, 0 पॉइंट शो नहीं किया, वो भी ऐड करते हैं बेटा. ओके दिव्यांशी आगे करो कॉपी थोड़ी सी. हाँ जी अब नीचे लाइन नहीं लिखी. अर्शदीप की प्रेजेंटेशन 100% करेक्ट थी, कैलकुलेशंस गलत थी, मैंने उसने बहुत अच्छी तरह नीचे लिखा था. जपन ज्योत मुझे दिखा रहा है बिल्कुल करेक्ट है, मैक्सिमम एट दैट दिस पॉइंट, और लिखना है इट इज मैक्सिमम विद इट मैन्युफैक्चर 30 यूनिट्स ऑफ ए जो है टाइप एंड 20 यूनिट्स ऑफ बी टाइप. ओके बिल्कुल नीचे मेंशन करना है आपने. काव्या का देख लेते हैं. यस काव्या बिल्कुल करेक्ट है. चलिए रिद्धि का देखते हैं. यस एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू वर्ड लिखना है, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 410 और z will be maximum at this point. That means आगे explain करो कि when जो है मेरे पास
30 unit of A quantity and 20 units of B quantity will be manufactured. Okay, beta, clear? सबको बात समझ आ गई? Clear to everyone? ठीक है जी, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब देखो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इसके बाद अब उन बच्चों की टर्न आएगी. गुरसीरत, हर्षवर्धन, जतिन, काव्या 26, मन्नत, जिन्होंने मुझे अब नहीं दिखाया. अब जिन्होंने दिखा दिया ना, वो बिल्कुल हैंड रेस नहीं करेंगे. नाउ इट्स अ टर्न फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट. ओके, कोई भी हैंड रेस नहीं करेगा जिन्होंने अब दिखा दिया है. अब टर्न मैं पहले ही बोल रही हूँ, अभय, अदिति, गुरसीरत, हर्षवर्धन, जतिन, काव्या 26, मन्नत, नवकिरत, इन सब की आएगी. बी रेडी फॉर दैट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 26th क्वेश्चन है आपकी बुक का, तो लेट अस डू दैट. ओके बेटे, चलिए 6th क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज. चलिए हाँ जी बेटा, व्हाट दैट क्वेश्चन इज, लेट अस रीड दैट क्वेश्चन. इट इज रिटन, कॉटेज इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चर्ड पेडेस्टल लैंप्स एंड वुडन शेड्स. मेरे पास जो है दो तरह के लैंप्स जो है अवेलेबल है, पेडेस्टल लैंप एंड वुडन लैंप. ओके, चलिए नाउ ईच रिक्वायर्स द यूज ऑफ ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन्स. हमारे पास जो है अगर दोनों को जो है ग्राइंडिंग और कटिंग के लिए जो है क्या चाहिए हमारे पास जो है यूज ऑफ ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड ए स्प्रे मशीन. इट टेक्स 2 hours ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 hours ऑन द स्प्रे मशीन टू मैन्युफैक्चर पेडेस्टल्स. ठीक है, लैम्प. अब इन्होंने ना मुझे दे दिया एक ग्राइंडिंग कटिंग, ये लीजिए. मैंने कटिंग लिख दिया. ओके, ग्राइंडिंग दोनों लिख दी, ग्राइंडिंग कटिंग और दूसरा बताया था स्प्रे का. ओके, ना हेडिंग दे दिए. मैंने ये मान लिया ये एक्स है ये वाई है, पता ये नंबर ऑफ यूनिट्स आने ही आने तो पहले ही बना थे. ओके, नाउ व्हाट दे राइट हियर. मेरे पास हुए ईच रिक्वायर्स द यूज ऑफ कटिंग मशीन एंड अ स्प्रे मशीन. इट टेक्स 2 hours for grinding and cutting, okay, and 3 hours for spray to manufacture pedestal lamp. Pedestal lamp ke liye de diya. And it takes 1 hour on grinding cutting, theek hai, and 2 hours on spray to make a shade, theek hai. On any day, the sprayer is available for at the most 20 hours. मेरे पास स्प्रेयर जो है वो मैक्सिमम 20 आवर्स के लिए अवेलेबल होता है. उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, ऑन एंड द ग्राइंडिंग जो है कटिंग मशीन जो है फॉर 12 आवर्स. ये 12 आवर्स के लिए अवेलेबल है मेरे पास. द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ द लैम्प इज ₹5 एंड दैट फॉर द शेड इज ₹3. मेरे पास जो है प्रॉफिट की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये हुआ ₹5 और ये हुआ शेड वाला जो है वो ₹3. Assuming that the manufacturer can sell all the lamps and shades that he produces, how should be he schedule his daily production in order to maximize his profit? Same question है. अब मुझे बताइए कैसे करेंगे. Who will tell me Z? Who will tell me the constraints? जल्दी हैंड रेस कीजिए. मैंने नाम पहले ही बोल दिए थे, जल्दी 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 बेटा. समृद्धि की टर्न, चलो नहीं हुई समृद्धि से पूछ लेते हैं. चलिए समृद्धि, जेड बताइए. 5x + 3y. ओके, जेड मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 5x + 3y. बिल्कुल करेक्ट, सब्जेक्टिव टू कॉन्स्ट्रेंट. चलिए 2x + y is less than or equal to 12 hours and 3x + 2y is less than or equal to 20 hours. 3x + 2y is less than equal to 20.
एंड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट भूला मत करो समृद्धि बेटा, ठीक है जी। ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे पास जो है जीरो। चलिए अब बनाइए टेबल, ग्राफ बनाइए फिर टेबल। और मैं पहले कह रही हूँ कि नाउ मैंने जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया वही मुझे दिखाएंगे, नहीं तो मैं नेम लूंगी, पता चल जाएगा कि उन बच्चों को जल्दी कि शो करना है। जल्दी जल्दी अभी तक जिन्होंने एक बार भी मुझे नहीं दिखाया दे विल ऑन द वीडियो एंड शो मी, बी फास्ट, जल्दी जल्दी। मुझे अच्छी यस बिल्कुल करेक्ट है, फिजिबल रीजन लिखा करो, शेडेड रीजन फिजिबल रीजन, ओके शेडेड के ऊपर एरो डाल के दिस इज द फिजिबल रीजन, अदरवाइज 100% करेक्ट मन्नत, वेरी गुड। बाकी और कोई बच्चा जल्दी, अभे अदिति जल्दी जल्दी मुझे शो कीजिए। हाँ जी अभे अदिति गुरसीरत हर्षवर्धन जतिन नवकीरत प्रगति विरति युवराज सिंह हिमांशु, क्या हो गया हिमांशु नो पार्टिसिपेशन, अमृत पाल अनमोल सिंह, मैं भी कर रहा हूँ जरा क्वेश्चन, जल्दी कीजिए बेटा। ध्रुव सोने जल्दी कीजिए, श्रेया जीवितेश जल्दी बेटा, अभे अनम्यूट योरसेल्फ एंड शो मी योर ग्राफ बेटा। और ये ऐसा चैप्टर है जिसके फ्री के मार्क्स है, मुझे लगता है वेरी इजी, एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे हैं और कोई ऐसा मुश्किल वाला नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आए। अभे अनम्यूट योरसेल्फ, अदिति अदिति बेटा चलिए नेक्स्ट, किसने किया हर्षवर्धन गुरसीरत अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हैव यू डन? यस मैम। देन शो मी वीडियो ऑन, मैम कैमरा नहीं है वरना मैंने कर देना था। ओके ठीक है जी, नेक्स्ट टर्न हर्षवर्धन, हर्षवर्धन यस मैम। हाँ जी जरा शो कीजिए गुरसीरत, आपका तो यहाँ वीडियो आ रही है, आप कह रहे हो कि कैमरा नहीं है तो अदरवाइज आपका कैमरा यहाँ शो हो रहा है। हाँ जी सेकंड कॉन्स्ट्रेन की जो मेरे पास थी इक्वेशन बनी थी वो हमारे पास बन रही है, लेट अस सी। पहले कॉन्स्ट्रेंट्स हम लिखते हैं, ये लिखी हुई है 3x + 2y ≤ 2, आप कोई भी ले सकते हो। मैं आपको बताऊं क्या कहते हैं काव्या, जब 3 से डिवाइड वाला हो रहा हो ना तो कोई ऐसा ले ले कि उधर जाके वो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट अस टेक मेरे पास तो गए, हम यहाँ पर जो डिवाइड हो जाए पहले वाई जीरो ले लें, एक्स जीरो ले लें, जब एक्स जीरो लिया तो वाई आ गया 10, ठीक है। अब y जीरो लेंगे तो 20 / 3 वो पॉइंट्स में जाती जाएगी, प्रॉब्लम आएगी ना बेटा। तो कोई ऐसा ले लो जो 3 से हमारा इजीली एडजस्ट हो सके। पहले समृद्धि की बात सुन लें, यस समृद्धि, यस समृद्धि। मैम जैसे हमने जो ग्राफ बनाया इसमें पूरे प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा है, कोऑर्डिनेटर नहीं बन रहा मैम, दोनों लाइंस के बीच का कॉमन पॉइंट भी हमने कंसीडर करना है। No, वो जो आ रहा है वही लीना है ना बेटा, वो दोनों का ओरिजिन की तरफ ट्रू है। आप देखो ना, अगर मेरे पास एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, ये 4:4 पे आ रहा है और दोनों का ओरिजिन की तरफ शेड करना है तो फिर यही वाला मेरे पास हुआ, ये वाला, ये अपने आप ही कोऑर्डिनेटर टाइप ही बन जाता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा है, ये इधर गई ये इधर आई और ये देखो
वो देखने में ट्रायंगल टाइप लगता है पर कह तो क्वाड्रिलेटर टाइप है और ट्रायंगल भी शेड हो सकती है। ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, किसी क्वेश्चन में ये ऊपर वाला भी तो शेड हो सकता है, हमने एग्जांपल में किया था, जो शेड हो रहा वही करना है ना बेटा। ओके ठीक है क्लियर। चलिए अच्छा मैं बता रही थी काव्य को, अब देखो मेरे पास जो है एक्स जीरो, मेरे वाई लिया, अब यहाँ पर कोई लेना है ना, अब कोई भी ले लो जिससे ये इजीली क्या हो जाए, कुछ डिवाइड हो जाए। मैं चाहती हूँ यहाँ 12 आए, ये तक की वो 3 से डिवाइड हो जाए। अब 12 आने के लिए मुझे 8 माइनस करना है ना, तो मैं 4 ले लेती हूँ, मैंने वाई 4 लिया, 8 माइनस किया 12, तो ये भी कितना आ गया, 4 आ गया। कुछ अपनी तरफ से सोच लेती है ना जो इजीली माइनस होके बन जाए। ओके काव्या ठीक है। चलिए अब बाकी बच्चे, मन्नत ने दिखा दिया, हिमांशु धीन ने दिखा दिया, बाकी बच्चे युवराज अनम्यूट करो अपने आप को, युवराज सिंह अनम्यूट करो, समृद्धि ओ सॉरी विरति ऐसे मजा नहीं आता जब आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट।